Okay. Some better than no way. Pero sí puede usar design. मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में क्या? टेक्स्ट फील्ड में सिर्फ एक लाइन के अंदर डाटा होगा और टेक्स्ट एरिया के अंदर मल्टीपल लाइन का, ठीक है? इसको मैं कहता हूँ टीएक्सटी टेबल और इसको मैं कहता हूँ टीएक्सटी रिजल्ट। तो पूरा टेबल भी शो हो सकता है, पूरा टेबल ही शो होगा। वाह ठीक है, मेरे ध्यान में था कि टेस्ट फील्ड में पूरा टेबल शो कैसे होगा। मैं क्या कहता हूँ, शो कर एक स्ट्रिंग ली, इसको कहा स्ट्रिंग इक्वल टू txt result डॉट रिजल्ट को नहीं लेना, मैं लेना है टेबल डॉट गेट टेक्स्ट। उसका टेक्स्ट गेट कर लिया, उसको कन्वर्ट इसमें करना है इंटीजर में। स्ट्रिंग तो नहीं लिखी होगी वहाँ, तो नंबर लिखा होगा, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एस, ठीक आगे वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रिंग बनाते हैं रिजल्ट, इसको असाइन कर देते हैं खाली स्ट्रिंग। फिर मैं कहता हूँ फॉर int i is equal to 0, 1, i less than 11, i plus plus, ठीक। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर को रिजल्ट इज इक्वल टू, अब रिजल्ट असल में हमने बनाना किस तरह से है, हमने बनाना है कि इस तरह से लिखा है, पहले आई लिखा हुआ 2, फिर थोड़ी स्पेस आए, फिर आए मल्टीप्लाई का साइन, फिर स्पेस आए, फिर नंबर आए, फिर इक्वल आए, फिर आंसर, ठीक। इसको हमने इम्प्लीमेंट करना, तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले तो नंबर शो को, नंबर क्या है, नंबर हमारे पास नंबर वेरिएबल में शो है, ठीक। फिर जमा, अब ये जमा दो चीज़ों के दरमियान है, एक कौन सी चीज़ है इंटीजर, दूसरी कौन सी चीज़ है स्ट्रिंग। जब आप इस तरह प्लस का साइन यूज करेंगे तो इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, क्या कहते हैं इसको, कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को मिलाना, ये खुद ही इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, दो बन जाएगा, दो जमा खाली स्पेस, दो स्पेस, फिर साथ क्या आएगा, फिर इनके साथ आई आएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, दो स्पेस एक, जितनी बार लूप चलेगा, पहली दफा में एक आएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई नहीं लगाया इसके अंदर, मल्टीप्लाई लगाया, ठीक। मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या दिखाना है आंसर, तो मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ब्रैकेट्स का मतलब है पहले जो चीज़ ब्रैकेट में है वो चीज़ परफॉर्म हो, वो क्या है, नंबर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आई के साथ, ठीक। अब सारी कैलकुलेशन किस में स्टोर होती रहेगी, रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट पहली दफ़ा लूप चलेगा, रिजल्ट में आ जाएगा दो ज़रब एक इज इक्वल टू दो, दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, फिर रिजल्ट के बॉक्स में दोबारा से लिखा हो जाएगा दो ज़रब एक, फिर दो दो ज़रब दो इज इक्वल टू टू, पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट प्लस, फिर रिजल्ट के साथ नई चीज़ों को मिलाओ, ठीक है, जो रिजल्ट है उसके साथ दो ज़रब दो, फिर दो ज़रब दो, पहले दो ज़रब एक, फिर दो ज़रब दो, फिर नीचे दो ज़रब तीन, दो ज़रब चार, दो ज़रब पाँच, दो ज़रब छः, दो ज़रब सात, दो ज़रब आठ, ये चलता रहे, सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती है, जब इसमें स्टोर हो जाए तो इसमें आ जाए, ठीक।
अब इसको अगर हम रन करें जैसे दो है तो ये दिखा दो जरा एक इक्वल टू दो टू इंटू टू इक्वल टू फोर टू इंटू थ्री लेकिन ये लाइन में नहीं है इसको लाइन में करके देख लेते हैं स्लैश एन किस लिए यूज होते हैं नेक्स्ट लाइन स्लैश एन नेक्स्ट लाइन भी होते हैं आपको पता हो गया सर जावा तो आपने बढ़िया नहीं तो पता है देख लेते हैं ट्राई करके स्लैश इसको हम रन करते हैं अगर लाइन चेंज हो जाए तो लाइन आ जाएगी जी स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन कोई कंफ्यूजन इसमें अब हम कोई भी नंबर दे रहे हैं तो उसका टेबल ही प्रिंट होगा 3 का टेबल प्रिंट हो गया 4 का टेबल प्रिंट 5 का प्रिंट हो गया 6 का प्रिंट हो गया 7 का प्रिंट हो गया 8 का प्रिंट हो गया 2 का प्रिंट हो गया 10 का प्रिंट हो गया अगर आप वो देना चाहें कि किसका टेबल और कहां तक 20 तक लेना है 10 तक ले जाना है कितने नंबर्स तक ले जाना है ये भी पॉसिबल है ठीक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप पेस्ट कर देते हैं इसको मैं अप टू ओके इसको हम कहते हैं txt अप टू अब शो की कोडिंग कुछ और होगी अब शो को दो चीजें लेनी पड़ेंगी स्ट्रिंग अप टू इज इक्वल टू txt अप टू डॉट गेट ठीक है अब एक इंटीजर ले अप टू उसमें दो ओ है इसमें तीन ओ ये याद रखें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें क्योंकि एक इंटीजर ही होगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ठीक है अब हमने यहाँ पर क्या कहा हुआ है 11 तक जाए 11 तक ना जाए कहाँ तक जाए अप टू लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट करें दो का टेबल तीन तक दिखाओ दो का टेबल 20 तक दिखाओ ठीक है कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन रिपीट कर दो किसको किसको हाँ फुल कोडिंग ये एक स्ट्रिंग ले यस जिसका टेबल हमने प्रिंट करवाना था उस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर में इंटीजर में फिर हमने लिया कहाँ तक प्रिंट करवाना है उसको भी कन्वर्ट कर लिया नंबर में फिर हमने एक रिजल्ट का बॉक्स बनाया और लोग को कहा एक से शुरू होकर उस नंबर तक जाओ जहां तक हम जाना चाहते हैं और फिर क्या करो जब कैलकुलेशन सारी हो जाए फिर टेक्स्ट रिजल्ट में डिस्प्ले करो ये सारी चीज ओके है लेकिन इसमें एक मसला है कि अगर मैं प्रोजेक्ट चलाऊं और मैं इसको खत्म कर दूं फिर मैं शो पर क्लिक करूं ये तो मसला है कि खाली बॉक्स है और आप शो पर क्लिक कर रहे हो यहाँ पर तो एरर आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है कि जो अप टू में लिखा हुआ है वो किस में आ जाए अप टू की स्ट्रिंग और इंटीजर में क्या हो जाए वो कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर मसला आ जाएगा कि ये खाली चीज़ एक खाली चीज़ को वो किस तरह से नंबर में कन्वर्ट करे एरर भी दे रहे हैं कि खाली स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट करो मैं आपसे कहूँ कि नंबर में कन्वर्ट करो और आपको ये ना बताऊँ क्या नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको समझ नहीं आएगी क्या ठीक है इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं शुरू में इफ इफ एल्स ठीक है मैंने दो ब्लॉक बना लिए इफ और एल्स के इफ देयर इज सम कंडीशन
देन दिस। यहां पे मैं कहता हूं इफ txt text txt up to dot get text equals null, कि अगर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो खाली है क्या, कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर क्या करे, फिर कुछ ना करे, अदरवाइज नंबर को क्या करे, डिस्प्ले करे। अब ये प्रोग्राम चलेगा, एरर कोई नहीं आएगा। यहाँ पर एक और कंडीशन नल हो या txt up to dot get text dot equals the string, three cases का सिंबल है कौन सा, ये वाला yes. और या yeah. और ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कुछ नहीं करेगा, अदरवाइज वो टेबल पर एंटर मार देगा। इसको मैं करता हूँ स्टॉप क्लोज विंडो, इसको करता हूँ दोबारा से रन, ठीक, एक का टेबल प्रिंट करवाओ, कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे ही 10 दूंगा तो टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक, 10 का टेबल 10 का, ठीक है। अब ये सिर्फ अप टू के लिए है, मैंने दूसरे बॉक्स के लिए इसके लिए नहीं लगाया, इसके लिए लगाने तो इधर ही लगा सकता हूँ, या txt table dot get text equals null, वो खाली के equal हो, या txt table dot get text dot equals empty string, यही है खाली, दोनों चीजें कुछ में से कुछ भी खाली हो तो फिर कुछ ना करे, अदरवाइज ये पर्टिकुलर फॉर्म पे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कुछ ना करने की बजाय यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स दिखा दे। मैसेज बॉक्स दिखाने के लिए लिखते हैं हम j ऑप्शन 10 डॉट शो मैसेज डायलॉग। मैसेज डायलॉग में दो चीजें देते हैं, पहली चीज होती है पोजीशन, अगर मैंने लिख लिया नल, नल का मतलब है वो जो बॉक्स नजर आएगा वो दरमियान में आएगा स्क्रीन, प्लीज एंटर नल। अब हम इसके अगर आउटपुट देखें, प्लीज एंटर नंबर, ठीक है, क्योंकि मैंने नल लिखा हुआ था इसलिए ये मैसेज कहाँ पर आ रहा है, मिड में आ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस, दिस का क्या मतलब है, दिस का मतलब है ये वाली चीज, तो अब ये मैसेज बॉक्स कहाँ पर आएगा, अब ये आएगा इसके दरमियान में, दिस लिख रहे तो उसी के दरमियान में, नल लिखेंगे तो किसी चीज के भी नहीं, स्क्रीन के दरमियान में, ओके, कोई कंफ्यूजन। नंबर देते हैं 2 और फिर नंबर देते हैं 5, शो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। क्या अब हम लॉगिन बना सकते हैं, लॉगिन, यूजर लॉगिन, किस तरह से बनाएंगे लॉगिन, हम देंगे एक लेबल लगाओ, एक टेक्स्ट फील्ड लगाओ, एक लेबल लगाओ, एक पासवर्ड फील्ड लगाओ, टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है, पासवर्ड फील्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता, होता ये भी क्या है, टेक्स्ट फील्ड, ये दोनों एक ही है लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, ये डॉट डॉट से नजर आएगा, ठीक, ठीक है।
अगर कोई एग्जिट पर क्लिक करे तो क्या हो? सिस्टम डॉट एग्जिट, एप्लीकेशन बंद हो जाए। डिस्पोज से सिर्फ वो फॉर्म बंद हो, एप्लीकेशन एग्जिट का मतलब सारी एप्लीकेशन ही बंद हो जाए। अगर मैं इसको रन करूँ इसको रन करूँ तो अब ये इस तरह से है, ठीक। और अगर इसका मैं लेआउट खत्म कर अनडेकोरेटेड कर दूँ इसको, इसकी डेकोरेशन खत्म हो जाए, अब इसकी डेकोरेशन नहीं, लॉगिन का फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक। समझ आई कुछ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं कहता हूँ जैसे ही कोई लॉगिन पर क्लिक करे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी ना, एक स्ट्रिंग यूजर नेम होगा ठीक, दूसरा स्ट्रिंग क्या होगा? पासवर्ड होगा। मैं कहता हूँ इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स, अगर यूजर नेम एडमिन के इक्वल हो, एंड ऑपरेटर के समझ लगाएंगे डबल एंड, पासवर्ड डॉट इक्वल्स एडमिन, अगर इसके इक्वल हो तो ये, अदरवाइज अगर पासवर्ड ये हो तो कुछ ना करें, फिर आगे इसका बताते हैं कि क्या करना है। अगर पासवर्ड ये ना हो फिर मैसेज दिखाए, ये ऑप्शन डॉट शो मैसेज डायल नल एंड एंटर करेक्ट, एंटर करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, दोनों चीजें करेक्ट एंटर करो फिर लॉग इन। एंटर करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर कोई यूजर नेम लिखती हूँ तो नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो सही लिख के देखते हैं, सही लिखेंगे तो क्या होगा? अब कुछ नहीं हो रहा, मैसेज नहीं आ रहा। पासवर्ड आपने क्या दिया? पासवर्ड एडमिन, एडमिन दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर पासवर्ड और यूजर नेम को ये दें तो नई चीज, एक नया पेज खुल जाए जिसको हम कहते हैं फ्रेम, और उस फ्रेम का नाम कह देते हैं फ्रेम। पासवर्ड ये हम नंबर दे सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, फ्रेम डैशबोर्ड। एक और फॉर्म मैंने बना दिया, इस फॉर्म के ऊपर मैं एक लेबल लगा देता हूँ, वर्किंग
इसकी प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं, कम कर रहे फॉन्ट, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा अच्छा कलर चाहिए? अच्छा कोई प्रॉपर्टी होगी फोरग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, फोरग्राउंड बैकग्राउंड होता है पीछे का कलर, फोरग्राउंड होता है सामने वाला कलर। बैकग्राउंड का पर हूँ आए नहीं सामने, परेशान मेरे गुरु गिर गया। बैकग्राउंड नहीं आता वेलकम टू कॉन्टेस्ट से, अगर आप इसका कलर कोई और डिस्टेंस का कलर कोई भी रख सकते हैं। ठीक है तो मैं कहता हूँ अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड ये दे तो फिर क्या हो, फिर एक और फ्रेम खुले, उसका नाम है फ्रेम डैशबोर्ड, फ्रेम डैशबोर्ड सेट विजिबल, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अगर मैं इनकरेक्ट दूंगा तो फिर कुछ नहीं आएगा, अगर मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दूं एडमिन एंड एडमिन ठीक तो फिर क्या है, फिर वो कहता है दूसरा फॉर्म। अब दोनों नजर आ रहे हैं ये भी और ये भी, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये नजर आए, जब ये खुल जाए तो ये नजर आए, ये ना नजर आए तो मैं क्या करूँगा। जी फारूक साहब क्या करेंगे हम कहेंगे नजर आना बंद हो गया, अगर मैं इसको रन करूं ठीक है, अब एक ही फॉर्म है कोई कंफ्यूजन, अब हम कहते हैं कि हमने लॉगिन डैशबोर्ड बना दिया, एक चीज होती है एंकर। अब एंकर का मतलब है कि अगर इसका साइज बढ़ेगा तो ये लाइन हमें बता रही है इसकी एंकर किस तरह है ऊपर को, और इसका मतलब है अगर साइज बढ़ जाए तो ये टेक्स्ट ये जो लेबल है ये इधर से फासला नहीं बढ़ाएगा, इधर से इतना ही फासला रहेगा, इधर से भी इतना ही फासला रहेगा। अगर मैं इसको रन करूं डायरेक्ट वहां ऊपर से भी वही फासला है, लेफ्ट से भी वही फासला है ठीक। तो एंकर अगर मैं कहूं बॉटम, बॉटम से वही फासला, तो दो एंकर्स आप दे सकते हैं या टॉप टू टॉप और लेफ्ट दे सकते हैं, इन दोनों में से एक चूज करना है, इन दोनों में से एक चूज करना है ठीक। कि अगर साइज बढ़े तो ये किधर रहे, इधर रहे या उधर रहे, मैं कहता हूँ इधर रहे। जी कोई कंफ्यूजन, लेकिन मैं कहता हूँ जो लॉगिन है लॉगिन बिल्कुल हमारे ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ एक और इवेंट आज हम यहाँ देखते हैं विच इज विंडो ओपनिंग,
ये इवेंट कब कॉल होगा, जब विंडो खुलेगी, कोई भी विंडो खुलती है उसका इवेंट विंडो ओपन इवेंट कॉल। तो मैं कहता हूँ जब भी ये विंडो खुले तो इसी विंडो की लोकेशन दिस डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल, इसी फॉर्म की लोकेशन किसी और चीज के रिलेटिव ना हो। ये लॉगिन वाले पेज के लिए दिया, लॉगिन वाले पेज के लिए, लॉगिन वाले पेज का मैंने इवेंट बनाया विंडो ओपन इवेंट, विंडो ओपन इवेंट में लिख दिया दिस डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। ओके देखो, मैंने कहा दिस डॉट गेट रूट टेन डॉट सेट डिफॉल्ट बटन इज इक्वल टू, ये क्या करता है कि जैसे ही ये विंडो खुले, ये विंडो खुली पहले तो उसने इसकी लोकेशन को क्या कर दिया, दरमियान में कर दिया सेटिंग लोकेशन टू सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक, फिर वो कहता है सेटिंग एंटर की टू लॉगिन बटन, कि अगर कोई एंटर प्रेस करे, एंटर प्रेस करे तो कौन सी की कॉल हो, ये ब्लू बटन। अक्सर हमारे पास मैसेज आते हैं और उसमें से एक बटन थोड़ा सा ब्लू होता है, एक नॉर्मल होता है, इसी तरह ब्लू बटन क्या होता है अगर कोई एंटर प्रेस कर दे, यानी एंटर प्रेस किया तो कौन सा बटन कॉल हुआ, लॉगिन वाला। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा कौन सा बटन कॉल हुआ, लॉगिन। तो अगर मैं एडमिन और एडमिन लिखकर एंटर प्रेस कर देता हूं तो मुझे बटन से क्लिक करने की जरूरत नहीं, कि मैंने रूट पैन के जरिए से डिफॉल्ट बटन खुद ही सेट कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं this dot txt password dot request focus, कहता हूँ जैसे फॉर्म खुले तो सबसे पहले जो चीज़ आए request focus, सबसे पहले focus किस पे आए, सबसे पहला focus इस पर आ गया। ठीक है, तो ये तीन काम है, ये फोकस भी सेट कर दिया, डिफॉल्ट बटन भी सेट कर दिया, पोजीशन भी सेट कर दिया। यही काम अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ वही इवेंट दोबारा बना दूँ विंडो ओपन, अब विंडो ओपन इवेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ चेंजिंग साइज ऑफ विंडो दिस डॉट सेट साइज इक्वल टू 1000 कॉमा 1000। ठीक, कि ये विंडो खुले और इसी का साइज क्या हो जाए 1000। तो हम ट्राई करते हैं इसको, ये भी वर्क करता है, एडमिन एडमिन 1000 हाइट और 1000 ही वेट। यस, ठीक, अगर आप चाहते हैं नहीं 1000 डिफरेंट मशीन्स होंगी हमारे पास, तो 1000 किसी का अगर लैपटॉप छोटा उसमें 1000 पिक्सल नहीं है वो क्या करेगा, तो 0 0 रखते हैं, 0 0 तो फिर नजर ही नहीं आएगा। मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट साइज, इसका साइज सेट करो, दिस डॉट गेट मैक्स साइज, इसका जितना भी मैक्सिमम साइज है इस फॉर्म वो सेट कर दो। तो अगर मैं लॉगिन पे जाकर दोबारा से इसको लोड करूँ
एडमिन एडमिन अब जितना इसका मैक्सिमम साइज है जोन से जो भी स्क्रीन होगी उसके मुताबिक ये खुद ही एडजस्ट कर कंफ्यूजन सर जैसे आपने लॉगिन के ऊपर और ऊपर फोकस फोकस और ये बनाया आप वो एग्जिट और इन के ऊपर भी कर सकते हैं जैसे पहले जैसे ही विंडो ओपन होती है उसका यूजर नेम के ऊपर फोकस होता है कि इस पे आप जिस पर भी रिक्वेस्ट फोकस कर लोगे उसी पर फोकस चला जाएगा सिर्फ उसी पर भी करेगा एक फोकस एक बनेगा ना पूरे फॉर्म में 10 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं 10 टेक्स्ट बॉक्सेस में एक ही फोकस एक वक्त में रहता है ऐसा भी नहीं हो सकता आप ए लिखो और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में ए लिखा जाए हो सकता है वो अगर हम ई फाइल्स की कोडिंग कर रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं तो फिर हो सकता है लेकिन एक वक्त में फोकस फोकस एक पर होगा और एक वक्त में एक ही बटन डिफॉल्ट बना क्लियर अगर हमने इमेज लगानी है अपने वेब पेज पर आइकन फाइंडर आइकन आर्काइव लॉगिन के लिए कुछ इमेजेस लड़े इस इमेज को हम कर लेते हैं सेव डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इस इमेज को भी सेव कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर हो जैसे भी सेव कर ली फिर मैं कहता हूँ सेलेक्ट में से एक लेबल हटाओ यहाँ पर पेस्ट करो और उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और आइकन को चूज करो ठीक आइकन में एक्सटर्नल इमेज है एक्सटर्नल इमेज हम कहते हैं व्यू डिटेल व्यू बड़ा नहीं हो सकता इसका इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट हमारे पास इमेज भी है इसका टेक्स्ट अगर मैं देता हूँ सत्ता हम इसको कहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं कि लॉगिन है हमारा सर ये लेबल के थ्रू ही लग सकता है इमेज लेबल के थ्रू लग सकता है ठीक है हम इसको रन करें इस पर भी कोई नहीं समझ आ सकता ओके तो अब आपने क्या करना है आपने डैशबोर्ड में जाना है कुछ और कंट्रोल्स को देखते हैं जैसे कि मेन्यू बार चूज किया यहाँ पेस्ट किया एक ही क्लिक से मेन्यू बार ठीक टास्क एड मेन्यू कोड एग्जांपल्स एड मेन्यू मैथ मेन्यू एड मेन्यू कंट्रोल्स ठीक है अब अगर टास्क के अंदर मैंने कुछ ऐड करना है टास्क के अंदर ऐड
मैं कहता हूं एक ही टास्क है एग्जिट एग्जिट शॉर्टकट शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें और मैं कहता हूं जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स प्रिंट क्लिक करूं ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाए एग्जिट हो जाए लेकिन ये ऐसे एग्जिट नहीं होगा मैं पहले जाऊंगा इस एग्जिट के ऊपर ये एग्जिट है इसके ऊपर मैं इवेंट एक्शन परफॉर्म अब ये किसका इवेंट बना है कि अगर कोई एग्जिट पर क्लिक कर दे फिर क्या हो सिस्टम डॉट ठीक अगर मैं लॉग इन करके अब इसको चलाऊं एडमिन बॉक्स पर सॉरी एडमिन एडमिन और फिर लॉग ठीक है सिर्फ टास्क के अंदर मैंने एक मेन्यू बनाया है बाकी भी नहीं जैसे ही मैं एग्जिट पर क्लिक करूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी या कंट्रोल एक्सपेंड कर दो या एग्जिट पर क्लिक कर दो ये सब कोई भी रख सकते हैं आइकन भी रख सकते हैं इसको कोई आइकन भी दे फिर आप एग्जिट का आइकन डाउनलोड कर दें साइज छोटा करना पड़ेगा 16x16 छोटा सा आइकन चाहिए सेव लिंक एज इसके इससे अच्छा है कि ये चूज करें सेव ठीक है वैकेंसी लगाने आ गए स्टार्टअप में मैं कह देता हूँ कोड एग्जांपल में हम कह देते हैं ऐड मेन्यू आइटम ऐड इसको हम कहते हैं शोइंग न्यू फॉर्म ठीक कुछ और भी ऐड करना है कोड एग्जांपल Disposing and closing. Disposing and closing. Which all palette. Or I'm getting it. Event driven examples. Math के अंदर हमने अभी तक क्या किया है? सिंपल एडर साइंटिफिक कैलकुलेटर विंडो कैलकुलेटर एंड टेबल टेबल एंड काउंटर स्टार्टअप में मैं कह देता हूँ
कस्टमर रजिस्ट्रेशन इसके अंदर भी मेन्यू ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे इसको कर देते हैं। मेन्यू आइटम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन रिसीव आर ई आई सी आई ई रिसीव प्रोडक्ट्स अब आपने इसी तरह की कोई भी एक एप्लीकेशन चूज कर ली है अपने लोग उसके ये सारे फॉर्म्स इस तरह के फॉर्म्स डिज़ाइन भी करके लाने हैं और लॉगिन भी करवा के लाने हैं। लॉगिन किया या इसके पीछे फॉर्म्स खुलने चाहिए, ये फॉर्म्स डिज़ाइन करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, इसको चेंज नहीं करना है, इसको नीचे ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, लॉगिन आपको सॉफ्टवेयर चूज करना है उस पर ये सारी चीज़ें बना के लानी हैं जो भी आप बना सकते हैं, डिज़ाइन करके डिजाइनिंग करके लानी और लॉगिन जो मैंने करवा दिया है वो सारी और जो मैंने डिफ़ॉल्ट बटन सेट करवाए हैं वो भी इम्प्लीमेंटेड, जो जो चीज़ें मैंने करवा दी हैं उसमें कोई गलती ना हो।